हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मार्केट 21 सितंबर के दिन एक बड़ी गिरावट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिली है, उसका हम रीजन आज देखने का प्रयास करेंगे। आप सबको ही पता है कि आज के दिन जो निफ्टी का अभी क्लोजिंग हुआ है वो 11,250 के करीब हुआ है और 2.39% की माइनस में क्लोजिंग आज दिखने को मिली है। आपने शायद देखा होगा कि स्टार्टिंग में मतलब यूरोपियन मार्केट जो ओपन हुआ वहीं से मतलब 3% की गिरावट यहां आप देख सकते हो एफटीएसई सीएसई और डेक्स में देखने को मिली थी। उसका एक रीजन था, उसके बिहाइंड जो एक बड़ा रीजन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोगों का क्वेरी है कि जो निफ्टी में अचानक से मूव आ जाती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। आज मतलब लास्ट वीक तक निफ्टी में एक रेंज बाउंड रैली दिखने को मिल रही थी और अचानक से आज यहाँ आप देख सकते हो गोल्ड सिल्वर में भी 1-2.5% तक की गिरावट दिखने को मिली है। सो ऑल टुगेदर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो उसमें एक मंदी का माहौल आज के दिन बन के दिखने को मिल रहा है। सो उसको लेकर हम पहली बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो ग्लोबल बैंक लाइक HSBC, JP मॉर्गन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, उन्होंने एक जो हम पोंजी स्कीम बोलते हैं, जो इनफॉर्मल वे से मनी का कलेक्शन होता है और ट्रांसफर होता है, वो स्कीम में पार्टिसिपेट यानी एक बड़ा उसका एक सस्पिशियस ट्रांजेक्शन बार आने को मिला है। यहाँ आप देख सकते हो मीडिया रिपोर्ट वेयर बेस्ड ऑन द लीक सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट फाइल बाय द बैंक अदर फाइनेंशियल फॉर्म विद द US डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइम्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। सो उसके लेकर ये काफ़ी सारे हद तक एक बड़ा ट्रांजेक्शन की बातें अभी सुनने में आ रही है, जिसको लेकर मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आज की डेट दिखने को मिला है, जहां HSBC एक्सपोज इन $80 मिलियन हांगकांग पोजी स्कैंडल। सो उसको लेकर हम बात करें तो यहां अलग अलग पॉइंट्स की हम बात करें तो इन शॉर्ट हम बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 2,657 बैंकिंग डॉक्यूमेंट ऑफ विच 2,100 हैज बीन क्लासिफाइड एज ए सक्सेसफुल एक्टिविटी रिपोर्ट। सो मोर देन 2,000 डॉक्यूमेंट में ये रिपोर्ट पाया गया है, जिसमें फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर ऑफ $80 मिलियन इन अकाउंट बेस्ड इन हांगकांग बिटवीन 2013 एंड 2014। सो 13-14 के बीच ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है इस $80 मिलियन का हुआ है वो उसका आज न्यूज दिखने को मिल रहा है। लीक फाइल इंक्लूड्स इंडिकेट दैट द HSBC हैज फैसिलिटेटेड एन $80 मिलियन €62 मिलियन इन्वेस्टमेंट स्कैम नोन एज पोंजी स्कीम जस्ट मंथ आफ्टर एग्रींग विथ रेगुलेटर दैट हैज इम्प्रूव द प्रोसीजर दैट इज मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड। सो उसके बाद उसका एक बड़ा हम ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। उसको लेकर मतलब काफ़ी सारा ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वो मतलब एक फंड पूरा जो टेररिज्म के सपोर्ट की जो एक्टिविटी हो रही है उसके सपोर्ट में पूरा फंड। दूसरी हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो UK कुड सी मिनी नेशनल लॉकडाउन एज ए कोरोना इन्फेक्शन राइज। ये आज का ही न्यूज़ है 21 सितंबर 2020 का। सो उसको लेकर आज एक डिक्लेरेशन हो सकता है कि UK में मतलब 2 वीक के लिए एक मिनी अगेन लॉकडाउन की परिस्थिति डेवलप हो सकती है। सो उसको लेकर काफ़ी सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज है जिसका एक्सपोर्ट UK बेस्ड हो रहा है या तो UK में जिसका मतलब बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है उसका जो बिजनेस है उसमें भी एक थोड़ी बहुत स्लो डाउन दिखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि क्या आज जो निफ्टी का मतलब क्रेज हुआ है वो हम बोल सकते हैं कि हम अब लॉन्ग टर्म मतलब मंदी में अभी एंटर हो गए हैं या कोई मतलब चांसेस है उसका कवर अप होने का। सो हम बात करें टेक्निकली तो यहाँ 50 DMA की आज जो मूविंग एवरेज है उसको उसके बिलो क्लोज हुआ है। ऑल ऑफ सडन ये न्यूज़ आ गया है जिसको लेकर ग्लोबल मार्केट में भी अनसर्टेनिटी
आज की डेट में देखने को मिल रही काफी सारी एक्टिविटीज ऐसी भी है, काफी सारी बैंकिंग का भी नाम डिक्लेयर हो सकता है इस पोंजी स्कीम्स को लेकर। उसके लेकर हम बात करते हैं तो काफी सारी निगेटिविटी आज की डेट में मार्केट में दिख रही है। अब हम मान के चल सकते हैं 11,350 के बिलो जब तक निफ्टी ट्रेड करती है तब तक हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म, मतलब मंदी के दायरे में अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ही हम उसके अबो क्लोज आ जाता है तो फिर से हम मतलब नया हाई की भी हम उम्मीद कर सकते हैं। बट फिलहाल आज के दिन मतलब आने वाले टाइम में सेल ऑन राइज की हम स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अचानक से जो न्यूज़ आ जाता है उसके लेकर काफ़ी सारा अलग अलग न्यूज़ का भी इंक्लूजन हो सकता है। ऑटो सेक्टर्स और उसके रिलेटेड जो भी सेक्टर्स है उसमें हमको पोजीशन लाइट बना के रखनी है। आईटी एंड फार्मा दो सेक्टर्स में मतलब अभी प्रॉफिट बुकिंग आने की भी चांसेस हो गई है। मिड कैप स्मॉल कैप में आज काफ़ी सारा काउंटर में लोअर सर्किट या तो बड़ा क्रेश दिखने को मिला ड्यू टू ऑल ऑफ सडन HSBC एंड लॉकडाउन न्यूज। उसको लेकर हम बात करते हैं इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट में मतलब ग्लोबल जो ट्रेंड हुआ यूरोपियन 3% डाउन पे ओपन हुआ था। ऑल टुगेदर ये जो मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट यूरोपियन की सिचुएशन को लेकर ये हमारे मतलब इंडियन मार्केट में भी रिएक्शन दिखने को मिला है। अब हम टेक्निकली आज के दिन मार्केट ने जो क्लोज दिया है उसको हम बोल सकते हैं सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी। जब तक अगेन हम 11,350 के अपर क्लोज नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए हमारा मार्केट में एक मतलब क्रेश का जो माहौल बन के रहा है, मंदी का माहौल है, वो कायम जारी रहने का हम उम्मीद कर सकते हैं। बस इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त।